हेलो भाई, मैं अरुण पवार। ये हमारी फोर्ड एंडेवर भाई 2017 वेरिएंट है। ये गाड़ी इतनी नई कंडीशन में भाई, फिलहाल आज तक इसमें मैट भी नहीं डल रखे हैं। ये जो कंपनी वाले देते ना कपड़े के से मैट, तो यही मैट इसमें आज तक है। और मैट का ना होने का नुकसान देख सकते हो, ऑफ रोडिंग करके आए थे भाई, क्या हाल हो गया है। मतलब गाड़ी के अंदर बेसिक जो एक्सेसरीज होते हैं वो भी आज तक इंस्टॉल नहीं करी गई है। आजकल तो ये क्रेज है भाई, गाड़ी लेते ही हेडलाइट्स में LED अच्छा डलवा लेते हैं। इसमें आज तक भी हैलोजन है, मतलब इसके जो पुराने वाले कस्टमर थे, पुराने ओनर थे, उन्होंने इसमें बाहर से एक पैसे का काम नहीं करवाया था। मतलब मैट तो यार हर कोई डलवाता है, और हम बाहर हैं, देखना क्या कर दिया गाड़ी का। ये भी सोच रही होगी भाई किसके हाथों में आगे फंस गई, पहले साफ सुथरी रहती थी, अब ये इतनी बुरी तरह धोंसते मेरे को। तो खैर भाई, बहुत सारी कमियां है इस गाड़ी में एक्सेसरीज के मामले में, तो आज जरा चलते हैं भाई एक्सेसरीज के हब में। भाई अब मुझे ऐसे लग रहा है कि एक बार इन सबको दिखा के आऊं, जो ये डीलर है कहोल बाग वाले। भाई देखो, मैंने ले ली फोर्ड एंडेवर, यार कितने चक्कर काटे थे मैंने इन सब के। इतनी ओवर प्राइस्ड बेचते हैं ना, बस पूछो मत ना। जो जितनी एंडेवर फॉर्च्यूनर खड़ी हैं बहुत महंगी बेचते हैं। फाइनली हमने अब भी देख लो डायरेक्ट ओनर से इतने मंदी रेट में उठा ली भाई, 24.5 लाख रुपए में ऑल कैश। बताओ पहुंच चुके हैं भाई करोल बाग, फटाफट निक्कू भाई के पास चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं भाई यहाँ पे निक्कू कार डेकोर करोल बाग में। सुनाओ भाई कैसे हो? बधाई हो सबसे पहली बात कि आपने एंडेवर ले लिया। थैंक यू। सब ठीक है, आप ठीक हो ना? लेकिन मिठाई का डब्बा आपको लाना चाहिए था निक्कू भाई के लिए। बिल्कुल लाएंगे, भी लाते हैं भाई। अब बताओ मेरे को, फोर्ड एंडेवर है, इसमें मैट तक भी नहीं है। हाँ तो मैट तो ये 2017 वेरिएंट है भाई। मतलब नई यहाँ पे नई गाड़ियाँ होती जितनी भी ऑलमोस्ट देखते हैं, क्रेटा हो गई, विटारा, स्कॉर्पियो, हाँ जो भी नया भाई। पुरानी की एक्सेसरीज का क्या हिसाब किताब रहता है भाई इस मार्केट में? है इसका भी एक्सेसरीज है। क्या क्या एक्सेसरीज है भाई, मेन बात करते हैं ना आज, क्या क्या हो जाएगा इसमें? ऑलरेडी टॉप वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट, जैसे फालतू कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे स्पीकर कोई अंदर से तो कुछ छेड़छाड़ है नहीं, एम्बिएंट लाइट वाइट सब कुछ है इसके अंदर। वैसे ही बताओ मतलब बाहर बाहर से क्या क्या हो सकता है? बाहर बाहर से आगे से तो इसका पहले बात बॉडी किट आता है जो आप चेंज करवा सकते हो। बॉडी किट में जैसे आपका बोनट चेंज होता है, ग्रिल चेंज होता है, ए चेंज होता है, लाइटें चेंज होती है, तो आगे से बना सकते हो। लग्जरी माने एंडेवर से भी बहुत ही खतरनाक लगती है वो चीज, ठीक है। उसके अलावा इसका बैक लाइट चेंज करवा सकते हो मॉडिफाई वाली, जो इसका सिंपल अच्छा नहीं लगता। पिलर लाइट लगवा सकते हो आप, मैट डलवा सकते हैं। इसका ऑर्डर पे वो भी आता है, जैसे हम दरवाजा खोलते हैं ना, तो जो अपना फुटप्रेस है फोल्डिंग वाला, जैसे तब खोलो तो ओपन, जब खोलो तो बंद। अब मैं अपनी रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। अभी आपने तो बता दिया इसमें क्या 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 नहीं है। इसमें एक दिक्कत ये है भाई, लॉक करने पे देखो शीशे अंदर से फोल्ड होते हैं, फॉर्च्यूनर वाली दिक्कत है इसके अंदर भी, अनलॉक करने पे फोल्ड नहीं होते, हो जाएगा अभी ये भी रिले लग के। इसके अलावा भाई इसके हॉर्न बहुत घटिया है, मैं आपको हॉर्न सुनाता हूँ एक बार। हरन भी चेंज हो जाएगा एकदम, है ना, नकली सा हॉर्न, बिल्कुल इतनी जैसे भारी भरकम गाड़ी दिखती है ऐसा हरन नहीं है। तो मेरे को हॉर्न का बताओ, देखो जो हमने फॉर्च्यूनर में डलवाया था संदीप वाली में, वो तो मेरे को पसंद ना आया भाई, वो बहुत ज्यादा लाउड है, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, नहीं पसंद। चलान वाला आने भी कोई और अल्टरनेटिव बताओ, जो ऐसे जैसे क्रेटा का आता है, सेल्टोस का आता है, या फिर स्कॉर्पियो एन में भी है ना, वो भी बढ़िया है भाई। तो क्रेटा वाला डलवा देता हूँ भाई, क्योंकि ज्यादा तेज वाले में क्या है, सामने से चल रहा होता है ना, बहुत ज्यादा डर जाता है, मन ही मन में गालियां देता है, वो अच्छा नहीं है। बिल्कुल हमको सुनाई तो नहीं देता, बट इसका पियानो किट आता है, जैसे आपका क्रोम है ना, तो ब्लैक किट आ जाता है, इस पे लगता है यार, वो भी लगा दो यार, ये मेरे को क्रोम अच्छे नहीं लगते, सही बताऊं तो किट आता है इसका, ये मतलब ऊपर से चिपकता है, ऊपर से चिपकता है, जैसे ये है हैंडल पे क्रोम है, हैंडल का नहीं चाहिए, लेकिन आता किट में, आप लगवाओ या ना लगाओ। ORBM का चाहिए, ORBM और इसका पीछे से इसका टेलर चेंज हो जाएगा। हां यार इसमें बस भाई देखो, ये वाली बस जलती है, ये साइड जलती है, ये नहीं जलती तो काफी बुरी सी लगती है रात के टाइम पे। बिल्कुल ये चेंज हो जाएगा दोनों पीस, ठीक है। इसका तो एक ये भी आता है, जैसे अभी लिखा हुआ ना, तो इसमें लाइट जलने वाला मिल जाता है जो ब्लैक में आता है। इसके बाद आप यहाँ पे पिलर लाइट लगवा सकते हो इसको हटा के। पिलर लाइट तो अच्छी लगती है यार, वो फॉर्च्यूनर में लगाई थी, मस्त थी वो तो। चलो भाई यही सब करते हैं, वो इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं भाई बिल्कुल भी, जो लाइट जलती है ना उसमें कभी ए बुझ जाएगा, कभी आर बुझ जाएगा, कभी ई बुझ जाएगा, चाइना का माल रहता है, तो वो सब तो हम लोग नहीं करवाने वाले। जो बेसिक काम है, जैसे कि हॉर्न हो गया, पिलर लाइट हो गई, और टेल लाइट का भी मेरे को मन कर रहा है, ये इसमें रखी है टेल लाइट? टेल लाइट है, टेल लाइट भाई स्मोकी, मतलब ब्लैक गाड़ी है ना, तो ऑल ब्लैक सा लगेगा तो बहुत बढ़िया सी लगेगी। ये देखिए इस तरीके की इसकी टेल लाइट आती है, और निको भाई ये दोनों साइड जलती है, मतलब दोनों साइड जलती है, ये वो होती होंगी चाइनीज, मतलब चाइनीज ही आता है, तो जल तो जाती है ना। हाँ, चलता है पक्का? पक्का चार आती होंगी फिर अलग अलग, चार चार आता है, ये दो बड़ा पीस हो गया और इधर छोटा पीस हो गया। तो भाई इसमें मैं पहली बार किसी गाड़ी में मतलब इतना रिस्क ले रहा हूँ ये मॉडिफिकेशन करवाने की। हल्की भी कितनी है ये, लगवा लेते भाई शौकीन चीज, बाकी जब खराब हो जाएंगे अपनी दोबारा से इनको डलवा लेंगे, और तो क्या ही है। बहुत प्यार लगे लगने के बाद, वायर कटिंग तो नहीं होगी? नहीं कोई भी नहीं, वो भी गई तो अब कौन सी वारंटी बची नहीं, कब का सारा सॉकेट बनाया हुआ है इसका। और एक और चीज मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए ये इसकी किट है जो उसमें डलती है, वो ORBM उसमें वही है ना, ये हां वही है, वो लग के सिंपल, और अपना फोल्ड अनफोल्ड होने लगेगा लॉक अनलॉक पे, है ना। और इसका पिलर लाइट है,
देख रहे हो निक्कू भाई ने भाई सारा सामान मंगवा रखा है। ये भी वही है, चले तो चांद तक ना तो शाम तक, वो वाले हिसाब है ना। लेकिन चलता है ऐसे जल्दी, कंप्लेन नहीं है, दो तीन साल तो निकाल ही देता है। हाँ इतनी गाड़ी चलाई बस रही, इतने तो काम बन जाएगा। इसके अलावा डोर वाइजर वगैरह तो इसके अंदर लगे ही हुए। निक्कू भाई एक चीज और बताओ भाई, जैसे इंडेवर उसने फॉर्च्यूनर में किया था ना, यहाँ पे लग के वो, पर इसमें तो है ही नहीं वो जुगाड़। तो इसमें अगर आपको लगवाना है ना तो इसमें हॉल करके ना नहीं तब लगेगा। नहीं नहीं नो सॉरी, वो ORVM के नीचे लगता है, जो ORVM है ना ये जो इसकी पेडल लैंप है इसके नीचे लग जाता है। ना लग जाएगा इसमें पीली लाइट है। तो ये बेसिक काम। अब सबसे पहले कोई भी एक्सेसरी लगाने से पहले भाई एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सेसरी आती है, हम सबको पता चल चुका है अब तो, इन्वॉल्व योर सेंसेस का परफ्यूम भाई गाड़ी में होना मस्ट है। आप चाहे गाड़ी के इंटीरियर में भाई 1,000,000 का काम करवा लो, लेकिन एक अच्छी महक जब तक नहीं है ना तब तक मजा सा बैठता नहीं है। इसलिए मैं तो यूज करता हूँ भाई इन्वॉल्व योर सेंसेस के ये वाले परफ्यूम्स, जिसमें हमको मिलता है कि हैंगिंग कार्ड और प्रीमियम से दिखने वाली बोतल जो 2 से 3 महीने तक चलती है। अगर आप 2 स्प्रे से मार देते हैं अपनी गाड़ी में जब भी आप चलते हैं, तो आपकी गाड़ी में जो महक बनती है ना भाई, चाहे वो बिग डैडी हो चाहे वो हो फोर्ड एंडेवर, आपकी गाड़ी में इतनी मस्त महक बन जाती है कि आपकी जर्नी में 4 चांद लगा देती है। तो आप भी involversensi.com पे जाके ऑर्डर करिए अभी अपनी गाड़ी के लिए सबसे बेस्ट परफ्यूम। तो यही सब है भाई जो मैं एंडेवर में अपनी में छड़वा रहा हूँ। ऑलरेडी टॉप वेरिएंट लेने का फायदा यही होता है आपको ज्यादा कुछ छड़काना करना नहीं पड़ता, अपना काम स्टार्ट हो गया। क्या लगा रहे हो भाई इसमें? पिलर लाइट लगा रहे हो या टेल लाइट? दिखाते हैं भाई कितना काम धाम में खुलेगा भाई, ऐसे एकदम ऐसे ही फिट कर देना इस नट के ना, ये कभी नहीं खुला थी, कभी नहीं खुली थी भाई ये गाड़ी ना, तो पुराने कस्टमर ने कभी छुड़वाया ही नहीं, पर हमने आते ही खुलवा दी। देख लो बड़ा दर्द आता है यार ऐसे कट्टी कट ऐसे सच में हल्के हाथे कर ले भाई। ये देखना यार इस वजह से इसके अंदर ना वो नहीं बनती आवाज बिल्कुल भी, बाहर की 1% आवाज नहीं आती। डिग्गी में भी इंसुलेशन करके दे रखा है। हमारे ओरिजिनल लाइटर ने ना एक डिब्बा में रख दियो, जब कभी कल का खराब है तो अपने ओरिजिनल डलवा लेंगे, या झग्गे का भी मन भर गया। ये मेन रीजन को करवाने का ये है भाई, क्योंकि ये आफ्टर मार्केट वाली स्मोक ही आती है और मेरे को गाड़ी चाहिए ऑल ब्लैक अपनी बिल्कुल कंप्लीट। यहाँ पिलर लाइट खुल रही है, यहाँ ये ऊपर वाली जो ये लाइट है ये भाई कॉलिंग लग रहे हैं, और आपको देख के आम ऐसे संदूक दिख रही होगी भाई, कैसे कबाड़े की संदूक है, लेकिन जब इसको खोल के देखोगे ना तो जो उसके अंदर पिटा रहा है, इसमें इनके सारे चाबी वो ना टूल किट वूल किट जहाँ जिससे आपकी गाड़ी सारा काम होता है, तार तूर सारा इसके अंदर ही सिस्टम पड़ा रहता है भाई। तो इसके ऐसे गलती से वैसे वो समझने की गलती मत करना भाई। जो पिलर लाइट होती है ना भाई, इसका डी पिलर सा खुल के और उसके बाद फिर ये पिलर लाइट लगती है ये वाली, तो ऐसे चिपकता विपकते चिपकने वाला सिस्टम नहीं होता इसका। ये एक जो पैनल होता है ये लॉक के थ्रू अपने इसमें टाइट हो जाता है, बस जान लगानी पड़ती है ये बात। भैया कितना डिफरेंस है? अरे ईटी में तो डिफरेंस रहता है, फोर्ड है तो कोई नहीं भाई। अरे आप तो मार्केट वाली लाइट की क्वालिटी देखो, इस पीछे इसमें ये रिले दे रखी है, ये कैनवस टाइप सा जिससे दोनों को पावर जाती है। स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं आता, उसमें तो डायरेक्ट ये कपलर सा लगता है और में जलती है, इसमें थोड़ा सा अलग सिस्टम है। अरे एंडेवर की क्वालिटी देखो, गमसी जो रबड़ को चिपकाने के लिए यहाँ पे यूज़ की जाती है, और ये इसका हाइड्रोलिक हो गया भाई, जो इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है इसका, ये इससे ऑपरेट होता है अपना, और ये तार वार इसमें, और ये चीज़ आ चुकी है भाई यहाँ पे लगने के लिए जिसको बोलते 3D शैडो लाइट। इसमें फोल्ड लिख के आएगा रात के टाइम पे, अभी तो ये पीला सा आता है थोड़ा सा लिख के, लेकिन यहाँ पे लिख के आएगा ये फोर्ड एंडेवर का भी आता है, मेड इन चाइना होता है भाई, लेकिन ये सारी चीज़ें चाइनीज होती हैं, तो यहाँ पे लगता है। फॉर्च्यूनर की वीडियो आपने देखी हो तो उसका यहाँ पे लगता है, लेकिन यहाँ पे वो कोई भी इस टाइप का रिफ्लेक्टर वगैरह है नहीं ना, इसलिए यहीं पे लगेगा ये। यहाँ डल रहे भाई अपनी रिले वायरिंग, देखो जो क्रेटा हो गई फॉर्च्यूनर हो गई, मोस्टली गाड़ियों में जो ORVM कंट्रोल होते हैं ना यहाँ पे होते हैं कि आपने बटन दबाया अपने आप चीजें फोल्ड हो जाते हैं, लेकिन इस एंडेवर का थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है, इसका यहाँ पे बटन दे रखा है भाई ये वाला AC वेंट के बिल्कुल साइड में यहाँ पे, तो ये इस बटन से फोल्ड अनफोल्ड होते हैं। पता नहीं कंपनियां क्या करती थी, 1800 रुपये मेरे ख्याल से रिले आती है, ये डालने में उनको क्या ही दिक्कत थी। तो यहाँ पे जस्ट प्लग एंड प्ले वाला सीन है, फ्यूज व्यूज में फ्यूज बॉक्स में अपना ये तार कनेक्ट करे, रिले अपना हो गई डन। RD कंपनी की है, थोड़ी सही है ये कंपनी, लॉक अनलॉक पे भी ये भी एक्टिवेट हो जाएंगे। मीनवाइल भाई अपनी जो टेल लाइट और पिलर लाइट है ये भी लग चुकी है एकदम ब्रांड न्यू, ये देखो क्या फील है भाई पन्नी उतारने की, एकदम मस्त चल चुकी है सारी, और ऊपर वाली भी लग चुकी है। ये वाली जो लाइट है ना भाई ये रात में बहुत तगड़ी लगती है। तो रिले विले भाई पूरी अपनी डल चुकी है, अब इसको चेक करते हैं भाई, जस्ट इसको लगाना पड़ेगा, कर दो ऐसे करके हो जाएगा। अच्छा हो गया, ये देखो भाई इसका मेन रिक्वायरमेंट तब आती है भाई, इसे और में पता चल जाता है गाड़ी लॉक हो गई अनलॉक हो गई, ये देखिए दोनों वर्किंग हो गए अपने, बस 2 मिनट का खेल है भाई ये,
अनलॉक करने पे दोनों देखिए खुल गए और यहाँ से लॉक करने पे बंद हो गए। वेरी नाइस वर्क भाई। लगे हाथों ही नंबर प्लेट का ध्यान आ गए, इनकी इसमें ना पीली आती है नंबर प्लेट की लाइट। सुनिको भाई इसको भी वाइट कर दो यार ब्रो, बढ़िया क्वालिटी की करना, ऐसे ना जो बुझ जाए, चमकता रहना चाहिए। यूपी 16 नंबर इसका पूरा मामला ये सेट। और यहाँ पे आ चुके हैं भाई अब अपने हॉर्न। अब आप कहोगे हुंडई के पार्ट्स क्या कर रहे हैं निकू भाई कार में, तो भाई मैं लगवा रहा हूँ क्रेटा वाले हॉर्न, वो सबसे बेस्ट लगते हैं यार मेरे को। वो जो आफ्टर मार्केट लगाया था ना वो फॉर्च्यूनर, वो बहुत तेज होता है, बहुत बेकार सा लगता है यार। ये वाला सबसे डिसेंट है जो क्रेटा में पीछे से लग के आता है। तो ये हुंडई का ओरिजिनल है, वो हुंडई का लोगो यहाँ पे हुंडई और किया था जो क्रेटा में आता है कंपनी का स्टॉक। चल जाएगा वो एंडेवर में, चल जाएगा। चलो सेल्टोजर इसका सेम हो जाएगा, सेल्टोज में भी सेम ही आता होगा है ना। अरे घर के बाहर हॉर्न बजता पता चल जाता है अपनी गाड़ी है। इसका बहुत अजीब सा हॉर्न है भाई, पीपी अजीब सा मेरे। इसका एक हाई होता है तो एक लो होता है, देखिए दो रन होते हैं दो। जो ये जैसे ये स्टॉक रेट है कंपनी वाले, इसमें भी दो ही आते हैं पीछे से। है। मेरे को भाई किसी ने तो बताया था इसका एक हॉर्न खराब है इसलिए थोड़ी इतनी बेकार आवाज बन रही है, इंडोर कितनी होती नहीं है। पर मेरे को वही वाला फोर्ड का डलवाना नहीं है, मतलब वो एक साउंड सी है ना वो इतनी अच्छी नहीं है। क्रेटा वाली एवरग्रीन है यार। आप देखो भाई डिग्गी जैसी बंद हुई इसकी पीछे से, अब लुक देखिए लग रही है ना बढ़िया और ब्रॉड हो गई है। ये देखो ऑल ब्लैक, ब्लैक सिस्टम हो गया। जब जलेगी लाइट तब देखना मजा, जब अनलॉक करूंगा। अब ये देखिए भाई रात में और तगड़ी दिखेगी ये, लॉक अनलॉक करने पे जल रही है। यहाँ से जब करते हैं अब बताओ कैसी लग रही है, छपरियों की तरह लग रही है ना, बस वो चीज़ बताना। लग रही होगी तो अपने ये चेंज करवा देंगे, और तो क्या ही है। और इसमें एक और चीज़ गौर करो भाई, इसमें रिवर्स गियर पे कहाँ लाइट जलती होंगी, क्योंकि सारे में तो एलईडी है। रिवर्स गियर डालेंगे तब हम जब हमको दिखेगा भाई इसका डिफरेंट। देखो यहाँ पे इसमें दो एलईडी आती है रिवर्स लाइट के लिए दोनों साइड अलग से, तो रात में पता चलेगा इनका कैसा थ्रो है भाई। यहाँ बारी है भाई अब अपनी शेडो लाइट डलने की, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको ऐसे ही पेचकस से निकाल देते हैं। तो इसकी जो हैलोजन है यार ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। किसी भाई के पास एंडेवर हो तो एक बार छू के देखना इसको कितनी ज़्यादा गर्म होता है ये पडल लैंप इसका। ये वाली जो शेडो लाइट है ये इसमें जस्ट प्लग एंड प्ले हो जाएगा, ये डोर खोलने पर जलता है। देखो यहाँ पे अभी तो भाई दिन में बहुत कम दिख रहा है ये फोर्ड, रात में देखने इसका असली मुझे। यहाँ पे पूरे में फोर्ड बन के आ जाएगा और ये एज इट इज जस्ट यहाँ पे। अब बारी इसका हॉर्न चेंज करने का, इसके हॉर्न के लिए पूरी ग्रिल व्रिल खुलती है क्या? बदल दी भाई लाइट? नहीं नहीं ये पीले पीले से लट्टू देते हैं यार आज 2023 में भी, हटा दो इनको भाई। कौन सी कंपनी के हैं? ओसराम। ये ओसराम की तो बेस्ट क्वालिटी है भाई, ये ना होने खराब की इसमें लग जाएंगे। देखो एलईडी एकदम डिफरेंट ही रहती है भाई, पीले से एकदम हो गया ना वाइट। ये देखो और ये देखो भाई डिफरेंट, ये हो रहे थे भाई इसके अंदर पहले फोड़ के, गल से इसमें एक ही बचता था, अब लगेंगे इसमें क्रेटा वाले ये वाले ऑन। और कई भाई बोल रहे थे कि इसमें वो फोर्ड की वो ग्रिल लगवा लो इसमें लाइट्स ही जलती हैं भाई, वो अलग अलग तरीके के आते हैं, पर उसमें मैं कोई खास इंटरेस्टेड हूँ नहीं फिलहाल के टाइम पे। वो रैप्टर वैप्टर किट में भी कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई, वो 3-4 लाख रुपए की जो निकोबा स्टार्टिंग में बता रहे थे, इतना तो कौन ही उठेगा भाई इतना खर्चा, तो इसलिए अभी के लिए होल्ड पे रखते हैं। स्टॉक गाड़ी चलाएंगे बस, ये चुटर मुटर जो है ये करवा रहे हैं। और यहाँ पे इसकी हेडलाइट्स में भाई एलईडी नहीं आती, मैंने आपको बताया था लो बीम में एलईडी है लेकिन हाई बीम में और यहाँ पे फोग लैंप में हैलोजनी है, तो मैं इनको भी चेंज करवा रहा हूँ। लगे यहाँ तो इस सेंसर को और कर रहे हैं भाई, ये सेंसर सा ये निकल गया था ना ये ऐसे प्रेशर से, मैंने आपको बताया था, तो ये फिर से लग जाए तो अच्छा है क्योंकि उसमें अंदर टू 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 शोर मचाता रहता है, इसलिए फिर हमको पार्किंग सेंसर को ऑफ करने पड़ते हैं आगे के इस एक की वजह से। तो अभी लगे यहाँ तो ग्रिल खुली है तो भाई इसको भी करवा ले रहे हैं। ये देखो दिखाइए भाई सेंसर ये अंदर कैसे गया, आदन मालिक जाने यार पता नहीं, ये इसका छोटा सा सेंसर है तो धो लेना भाई इस ब्रश से पानी। अभी फोग लाइट्स में हम एलईडी डलवा रहे हैं तो उसके लिए फोग लाइट भी खुल रही हैं। एक चीज़ दिखाऊँ कमाल की भाई, फोर्ड की क्वालिटी देखना एक बार, ये इसमें हेलोजन बल्ब आता था लेकिन हेलोजन में भी इन लोगों ने ओसराम की ये डाल रखी थी H8 वाली ये फोग लाइट में हेलोजन बल्ब, तो इसलिए भाई ये कभी फ्यूज़ व्यूज़ नहीं होती थी क्योंकि क्वालिटी वाली चीज़ थी, ऐसे नकली कोई चाइनीज वाइनीज नहीं डाल रखी थी। लेकिन हम अब और इसमें बढ़िया वाली एलईडी डलवा लेंगे। अरे कलर का तो होता है यार, पीली आज के टाइम में इतनी बढ़िया गाड़ी पे जचती नहीं है ना। हाई बीम में और देखते हैं कौन सी कंपनी की है, ये हाई बीम की निकल गई, इसमें फ्लिप्स दे रखी है। अरे दो सेट अपने आ चुके हैं भाई इसके एलईडी हेडलाइट्स के, दो क्यों भाई, एक तो फॉग लाइट में हैलोजन है और एक हाई बीम में, तो दो अलग अलग लगेंगे, इसमें दो लाइट होती हैं तो इसको दो पेयर बोलते हैं। ये भाई 180 वोट की है, मतलब हाईएस्ट जीवा कंपनी की लगवा रहे हैं भाई, ये बढ़िया होती है। हमने क्रेटा में पिछले साल लगवाई, फिर 1.5 साल हो गए मेरे ख्याल से, आज तक भी बढ़िया चल रही है, जो भी गाड़ी में बैठते तारीफ ही करता है इनके। फिलिप्स को रोसराम को बाय बाय करके जीवा की एलईडी लाइट लगवा लेते हैं, उजाला बढ़िया बन जाएगा रात के टाइम पे। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था भाई कि इसके अंदर ऑलरेडी वाइट आती है कंपनी से ही, जो प्रोजेक्टर में एलईडी है वो है भाई ओसराम कंपनी की, ओसराम की लगा के दे रखी है फोर्ड ने ऑलरेडी, तो इसको तो छड़वा ही नहीं रहे हैं।
बस जो दूसरे में हेलोजन था उसमें बस ये डलवा रहे हैं। और यहाँ अपने हॉर्न इंस्टॉल हो चुके हैं ह्यूंडई के क्रेटा वाले, बजा के दिखा भाई एक बार आवाज। देखा भाई बिल्कुल ओरिजिनल जैसे ह्यूंडई क्रेटा के आते हैं ना, मैं बजा के दिखाता हूँ ये ह्यूंडई क्रेटा। लेकिन इससे थोड़ा सा लिटिल लिटिल लाउड है ये। चलो ठीक है, थोड़ा सा लाउड तो चाहिए भी भाई, थोड़ी लिटिल लिटिल बड़ी गाड़ी है तो। चलो सारे लड़के लग रहे हैं भाई अपना एलईडी लगाने में, ये भी इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ी देर का काम बचा है बस मात्र। बाकी भाई निक्कू भाई की दुकान पे आ गए थोड़ी देर, स्कॉर्पियन ZE2 डिलीवर होने लगी है बहुत ज़्यादा। आपको देखना है स्कॉर्पियन ZE2 है, एकदम मॉडिफाई कर दी एकदम टॉप ब्रांड में, डिलीवरी करने लगे अब तो कंपनी वाले इसकी महिंद्रा वाले। देखो इसके भाई ये डोर हैंडल भी खोल रखे क्योंकि इसके मैट में आते हैं ना तो वाइट करने के लिए पेंट में दे रखा है। निक्कू भाई के पास स्कॉर्पियन का भी तगड़ा जोर है वैसे फिलहाल के टाइम पे, ZE2 ZE4 ZE6 सारे वेरिएंट आ रहे हैं तो बाकी मॉडिफाई होने। देखना अलवर से गाड़ी है, ये लेवल लगी और बिल्कुल ब्रांड न्यू सब कुछ कर दिया इसमें, सीट कवर वीट कवर एकदम टॉप ब्रांड जैसे। नेक्स्ट एक्सेसरी है भाई हमारी ये ब्लैक, ये देख रहे हो ये क्रोम में आता है यार, ब्लैक पे क्रोम पता नहीं जमता नहीं है तो हमने ये मंगवा लिया। ये देखो ऑल ब्लैक, ये भी इसका ये ऑल ब्लैक कर दिया भाई, क्रोम से अच्छा ही लगता था यार, जब गाड़ी ऑल ब्लैक हो तो क्रोम का क्या काम। और यहाँ हमारे पास है भाई ये एंडेवर के मैट, ईगल कंपनी के, कौन से डी हैं ये 7D, आजकल टेक्नोलॉजी 9D पे पहुँच चुकी है, एंडेवर की नहीं आएगी 9D। और सबसे इम्पोर्टेंट भाई एक भगवान की मूर्ति तो गाड़ी में भाई होनी चाहिए, इसमें वो भी नहीं थी तो ये भी स्थापित हमने कर दिए हैं। अभी भाई इसको 3M की टेप से और सॉरी डबल साइड टेप से चिपका देंगे। तो भाई यहाँ पे सारा काम कंप्लीट हो चुका है हमारे एंडेवर का। आपको लग रहा होगा कैसे दिन सा कैसे निकल गया भाई, अभी शाम 7:30 होने वाले हैं, अभी भी इतना उजाले का रीज़न है भाई हमारी गाड़ी में जो ये LED डल चुकी है ना। एक चीज़ पे गौर करो यार, आफ्टर मार्केट वाली LED हमने डाली है वो भी फीकी लग रही है, लो बीम भी जल रही है और हाई बीम, और ये नीचे देखिए भाई आफ्टर मार्केट वाली में मजा तो रहता है। निकू भाई अब स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, प्राइसिंग की कितने की है, कौन से वोट की क्या कुछ स्पेक्स बताओ। 180 वाट का जीवा का है, 7500 का है, 7500 का एक पेयर, एक पेयर जैसे आपका हाई बीम में लगा वो 7500 रुपए का हो गया, अब फोकलम में लगा वो भी 180 वाट का है, नंबर अलग अलग हो तो ये भी 7500 रुपए का है, मतलब ये बन गया अपना 15000 रुपए का जो है ना। बहुत मान इससे तेज रोशनी किसी का नहीं, अभी पता चला वो कंपनी वाले में, इससे कोई पता नहीं चल रहा है कंपनी वाले, तो आगे वाले को तो अंधा कर देगा बिल्कुल, सबको रोशनी चाहिए। हाई बीम पे भाई हम जैसे चलाते नहीं है मेनली, पर जो ज्यादा ही ऐसे रहता है जो नीचे नहीं करता उसके लिए बढ़िया चीज है, एकदम कर दो कि बिल्कुल ढेड़ रहता है जो बिल्कुल नीचे नहीं करता उनके आगे चला दो बढ़िया है। हॉर्न कितने का है भाई ये? हॉर्न केटा वाला फिटिंग करके 3200 रुपए का, 3200 रुपए का ये, मतलब उससे महंगा है ये जो आफ्टर मार्केट मेगा सोनिक का, तो ये ओरिजिनल हुंडई का है ना, बस आगे का फ्रंट का काम है, यही था भाई। और मैं किसी चीज में अभी फिलहाल के लिए इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ, अभी तो स्टॉक का भी मजा लेना है ना भाई। इनका चुटर मुटर का क्या प्राइस है, ये काले वाले करवाने होते तो? ये 1800 रुपए का दोनों मीटर का है, 1800 रुपए का दोनों मीटर का एयर कवर, बस बस कवर 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 कवर, और ये 1250 का। ओरिजिनल फोर्ड को फेल कर रहे हो आप तो, मैं क्या करूं ऐसे आता है इसलिए। और ये भी मतलब 1250 का, हाँ ये कवर इतने महंगे कवर क्यों है? यहाँ पे मेन काम हुआ भाई इसमें पीछे की साइड, यहाँ पे सबसे पहले ये ओसराम की LED कितने की है भाई, ये छोटी व्हाइट वाली 450 रुपए की, 450 यार कितना, मतलब वो ये कंपनी का माल का ओसराम का LED लेते हो तो आपको 6-7 हजार से स्टार्टिंग हो जाता है, 17,500 रुपए का टेल लाइट, 17,500 रुपए की है विद फिटिंग, विद फिटिंग ये चारों पीस जो चार पीस है 17,500 रुपए के हैं, ये आफ्टर मार्केट है, इनकी वारंटी क्या रहती है भाई, खराब वारंटी ऐसा कुछ नहीं था, जल्दी खराब नहीं होता क्योंकि हमें ना आगे से वारंटी मिलता है ना हम देंगे, लेकिन ये चीज है कि कम से कम 3-4 साल निकाल देगी, 3-4 साल निकल जाती है। और ये पिलर लाइट फिटिंग करके 3500 का, ये 3500 रुपए की है भाई, अपनी शेडो लाइट लगा, शेडो लाइट ये देखिए, ये भाई डोर खोलेंगे तो तब आपको कुछ जलता हुआ दिखेगा, ये कितने की शेडो लाइट, 1500 रुपए की, 70 मैट जो अंदर आपने डाले ये कितने के हैं, 38 का, 3800 रुपए का, ये 3800 रुपए यार, फॉर्च्यूनर में तो 7-8 हजार रुपए का, वो हाइपरसोनिक का मैट था, जो थार में भी आपका फॉर्च्यूनर में वो जो लगा कॉस्टली वाला था वो इसका अवेलेबल नहीं है कि उतनी गाड़ी रनिंग में है नहीं अभी। अच्छा तो ये अलगा वाला डाला है मतलब इसमें, खास अलगा भी नहीं है, ठीक है कहाँ चल जाएगा, सनेगी ना गाड़ी में ना सनेगी, मेन तो वो है। और भाई यहाँ पे मैंने कर्टेंस भी लिए भाई, इतनी गर्मी पड़ती, और भाई यहाँ पे मैंने कर्टेंस भी लिए, इतनी गर्मी पड़ती है भाई, इनकी जरूरत पड़नी पड़नी होती है, तो इसको जेड ब्लैक वेड ब्लैक का शौक नहीं है लेकिन ये जरूरी है भाई, गर्मी से मतलब हीट इतनी बनती है। तो पीछे तक का कितने का पड़ता है एंडेवर जैसी गाड़ी के लिए, 800 रुपए का, तो टोटल कितना बैठ गया इसमें बिल, 45-50 हजार रुपये, 45-50 हजार रुपये। अब आपको ऐसे लग रहा होगा काम इतना था लेकिन पैसे इतने, पर वही एक एक आइटम को जोड़ते तो भाई मोटा मोटी दो ही चीज अपना हो गया 15,000 और 18,000, हाँ वही टेल लाइट का और हेड लाइट का जो। और यहाँ पे जो अपने सेंसर था भाई जो निकल गया था आप देख रहे होंगे, ये भी फिट करवा लिया है यहाँ पे। और निको भाई जो ये रिले डली है जिसमें शीशे अपने फोल्ड अनफोल्ड हो रहे हैं लॉक अनलॉक पे, ये कितने की होती है, 1800 रुपए का डिले है, 200 फिटिंग करने का,
मतलब 2000 रुपए में कोई सी भी गाड़ी हो 2000 रुपए में डन हो जाता है। कोई भी गाड़ी में इसलिए लगता है जो अंदर से फोल्डिंग होता है और बाहर से चाबी से नहीं होता उसमें रिले लगता है। जिस गाड़ी में अंदर से फोल्डिंग नहीं होता उसमें मिरर चेंज होता है, उसका कॉस्ट अलग आता है। हाँ वो अलग होता है, इसमें अंदर से कर सकते हैं लेकिन लॉक अनलॉक पे नहीं होता, बस उस चीज को एक्टिवेट करने के लिए 2000 रुपए होते हैं भाई वो डिवाइस के। और जो हमारा भाई पुराना माल उतरा था वो हमने यहाँ पे रख लिया है, कल कोई लाइट खराब हो गई तो इनको दोबारा हम डलवा तो लेंगे ना, इसलिए जरूरी है अपना उतरा हुआ माल आप लेके जाएं, वरना निक्कू भाई ऐसे कबाड़े में फेंक देते हैं फिर। ये देखो फिर इन्हें कोई काम करने होता है, कबाड़े वाले ले जाते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं होती। चलो भाई निक्कू भाई और बताओ कौन कौन सी गाड़ी का कहाँ पे क्या क्या काम हो जाता है आपके? अपने पास क्रेटा और एक स्कॉर्पियो एंड कोई भी गाड़ी हो सारे गाड़ी का मॉडिफिकेशन हो जाएगा। कहाँ पे? निक्कू कार डेकोर 16/27 अब्दुल अजीज रोड। भाई कोई भी गाड़ी का काम करवाना हो तो यार मोस्ट वेलकम है निक्कू कार डेकोर, अब तो अपनी दुकान ले ली इन्होंने तो उसमें आके आप अपना बढ़िया तरीके से काम करवा सकते हो। अब चलते हैं, रात के टाइम दिखाता हूँ आपको लाइट वाइट जो इतना पैसा इन्होंने लिया हमसे वो उसका थ्रो कैसा है, फोर्ड वोर्ड कैसा चलता है, आइए मेरे साथ। अब देखो भाई गुपा गुपा अंधेरा हो चुका है, ये वाली जो आप लाइट देख रहे हो ना ये आड़ी टेढ़ी सी ये है कंपनी की जो ओसराम तिजन फिलिप्स थी जो लो बीम में लगी हुई है, ओवर द टाइम ये पीली पड़ चुकी है। अभी मैं जलाने वाला हूँ फॉग लैंप्स, तो जैसे ही मैं यहाँ से बटन दबाऊंगा यहाँ इसके फॉग लाइट बटन ये ऊपर वाला है फ्रंट का, तो ये देखिए मैं बंद करके दोबारा चलाता हूँ, ये अभी बंद ये जल गई, ये भाई अपना थ्रो है अभी जो फोग लाइट है। अब जब मैं हाईवे में जलाऊंगा ना आप भी भाई ऐसे कहोगे भाई ये क्या है, ये देखो भाई मेरे आपको शायद वीडियो में इतना समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन रियल में भाई क्या खतरनाक लाइट है यार, ये एकदम सीधा प्रोजेक्शन है, ऐसा तो भाई कंपनी वालों का भी नहीं, कंपनी देख लो प्रोजेक्टर होते हुए कितना आधा टेढ़ा सा फेंक रही है ये, और कंपनी वाली लाइट है ये, और यहाँ पे देखिए कितना उजाला कर देती है यार, ये सामने वाला अपने आप डिपर नीचे कर लेता है अपनी, और पीछे से ये लुक है भाई लाइट्स की आप बताइए कैसी लग रही है। ये ब्रेक मार दी हमने, ब्रेक छोड़े देते ऐसे हो जाती है, ब्रेक लगाने पे अपना आई स्टॉप लैंप और ये डार्क भी हो जाती है, इसके अलावा नंबर प्लेट तो वाइट भाई चमकने लग गई है, प्लर लाइट्स लगती तो मस्त है। और एक सबसे चीज खास और देखिए किस तरह लग के आता है, गेट के साथ रोटेट होता है भाई क्योंकि ORM उसके साथ जा रहा है, लग रहा है यार कितना जबरदस्त चीज लग रही है ये। और यहाँ पे एक स्पेशल चीज और दिखाता हूँ भाई, जैसे ही मैं चाबी से अनलॉक का बटन दबाऊंगा देखना कितनी सारी चीजें एकदम जल जाएंगी, ये देखो अनलॉक करते ही मेन तो ये फोर्ड का लोगो किस तरीके से घूमता है, लॉक करने पे कैसे घूम रहा है, अनलॉक करने पे कैसे घूम रहा है, जरूरी नहीं हम डोर को ही घुमाएंगे तब ये घूमेगा, लॉक अनलॉक पे भी क्योंकि शीशे अपने वो रहे हैं, तो भाई बड़ी जबरदस्त है यार गाड़ी में मजा आ गया भाई, आप लोग बताओ कैसा लगा। बाकी निक्कू भाई तो एक नंबर काम करते हैं, चाहे स्कॉर्पियो एन हो चाहे फोर्ड एंडेवर हो, तगड़ी गाड़ी बना के देते हैं हमेशा संतुष्ट करके भेजते हैं, तो आप भी उनके पास जा सकते हैं करोल बाग, डिस्क्रिप्शन में नंबर उनके अवेलेबल है ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।